राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज जो हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार और बढ़िया वाले एक फंगीसाइड के बारे में, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जिस फंगीसाइड के बारे में जानकारी दी जा रही है, ये बायर कंपनी का आता है मेलोडी ड्यू फंगीसाइड। इसके अंदर आपको लगभग 4 से लेकर 5 तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक ही फसल पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो ये आपकी फसल को 5 तरह से बचा सकता है। फंगस किसी भी तरह की क्यों ना हो, उस पर यह बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर लेगा प्रिवेंटिव में, यानी कि आप जो है फंगस का अटैक होने से पहले इसका स्प्रे करेंगे तब भी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि फंगस लगने के बाद क्यूरेटिव में भी आप इसका उपयोग करते हैं, बाद में स्प्रे करते हैं, तब भी आपको इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से एक्शन इसके अंदर दिए गए हैं, कौन कौन से टेक्निकल इसके अंदर दिए गए हैं, कितने दिन के अंदर ये कार्य करना शुरू करता है, कितने दिन तक ये कार्य करता है, क्या किसी अन्य फंगीसाइड को, कीटनाशक को या टोनिक को हम इसके साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन कौन सी फसलों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी फंगस पे ये अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी किसान भाइयों मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये बायर का मेलोडी ड्यू फंगीसाइड है, इसके अंदर हमें कौन कौन से टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला टेक्निकल इसके अंदर मिल जाता है प्रोपिनिव। जो प्रोपिनिव इसके अंदर देखने को मिल रहा है, इसकी मात्रा इसके अंदर 61.25% दी गई है, जो किसान भाइयों WP फॉर्म में देखने को मिलते हैं, यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में किसान भाइयों ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरा टेक्निकल इसके अंदर दिया गया है आइसो प्रो वैलिकार्ब। तो आइसो प्रो वैलिकार्ब जो है, इसकी मात्रा इसके अंदर 5.5% में दी गई है, और प्रोपिनिव जो है वो 61.25% में दिया गया है, जो किसान भाई एक पाउडर के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों टेक्निकल बहुत ही शानदार वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त वाले हैं। ये जो है किसान भाइयों आपके कॉन्टैक्ट वाले फंगीसाइड भी है और सिस्टमिक वाला भी आपके लिए फंगीसाइड होने वाला है, यानी कि फंगस अगर आपकी फसल के ऊपर छिपी हुई है तो कॉन्टैक्ट के तरीके से ये भी आपकी फसल को बचाएगा, और यदि फंगस जो है किसान भाइयों किसी अन्य तरीके से पत्तों के अंदर बैठ चुकी है, बहुत ही बुरी तरीके से फंगस लग चुकी है, तो सिस्टमिक तरीके से भी ये आपकी फसल को फंगस से बचा लेगा। सिस्टमिक का मतलब सिस्टम के अंदर पहुंच करके तब ये किसान भाइयों फंगस को खत्म करता है, और कॉन्टैक्ट यानी कि जितनी भी फंगस इसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है वो तो किसान भाइयों खत्म हो ही जाती है, यानी कि कॉन्टैक्ट तरीके से भी और सिस्टमिक तरीके से भी, दोनों तरीके से जब ये हमारी फंगस को कंट्रोल कर रहा है तो आपकी फसल के ऊपर फंगस कैसे भी लगी हो आपकी फसल 100% बचनी ही बचनी है। तो अच्छा वाला कार्य ये कर लेता है। बात करते हैं कौन कौन से एक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला जो इसके अंदर एक्शन आपको देखने को मिल जाता है वो हमारा नॉर्मली वही एक्शन है किसान भाइयों, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेमिनार एक्शन। ट्रांसलेमिनार एक्शन का मतलब होता है अगर आपने पत्ते की एक तरफ इसके स्प्रे किया तो ये पत्ते के दूसरी तरफ छुपी फंगस को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, उसे भी ये मार देता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसलेमिनार एक्शन। दूसरा एक्शन इसके अंदर किसान भाइयों देखने को आपको मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं एराकेडिक एक्शन। एराकेडिक एक्शन का मतलब ये होता है किसान भाइयों कोई भी फंगस अगर फसल के अंदर लगी हुई है तो उस फंगस को ये जड़ से खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, यानी कि जड़ से उसे बिल्कुल खत्म कर देता है, तो इसे बोलते हैं किसान भाइयों एराकेडिक एक्शन। तो ये एक्शन भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा एक्शन किसान भाइयों इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एंटी स्पोर्टल एक्शन। और एंटी स्पोर्टल एक्शन जो है ये किसान भाई जैसे मान लीजिए हमारी फसल के अंदर कोई फंगस लगी हुई है, उस फंगस को तो ये कंट्रोल करेगा ही, उसके बाद कोई नई तरह की फंगस हमारी फसल के अंदर नहीं लग सकती, यानी कि नई फंगस को रोकने में ये काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, नई फंगस को हमारी फसलों के ऊपर नहीं लगने देता। तो ये होता है हमारा एंटी स्पोर्टल एक्शन। इसके अंदर जो हमारा अगला एक्शन देखने को मिल रहा है वो है किसान भाइयों एक्रोपिटल एक्शन। तो एक्रोपिटल एक्शन क्या होता है किसान भाइयों, जो नई नई पत्तियां हमारी फसल के अंदर आती हैं उन पर ये किसी भी तरह की किसी भी फंगस को नहीं लगने देता है, यानी कि पहली जो फंगस लगी हुई थी उसे तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, वो जो हमारी नई पत्तियां बन के आ रही है उन्हें उस फंगस से किसान भाइयों बचा कर रखेगा, उस पर इसे ये कंट्रोल करके रखेगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर आपको लगभग 4 तरह के एक्शन देखने को मिल जाते हैं। आपकी फसल पे किसी भी तरह से कैसे भी फंगस लगी हो ये कंट्रोल 100% कर ही लेगा। तो ये तो हो जाता है किसान भाइयों इसका कार्य करने का तरीका कि किस तरीके से ये कार्य कर लेता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कौन कौन सी फंगस पर ये अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके देता है। तो जैसे हमारी फसलों के ऊपर लेट ब्लाइट का जो अटैक है ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे हमारी टमाटर की फसल हो गई, हमारी आलू की फसल हो गई, या और भी कोई अन्य फसल,
जिस भी फसल के ऊपर किसान भाइयों आपको लेट ब्लाइट का अटैक देखने को मिलता है, आप उसी फसल के ऊपर यदि हमारे मेलोडी डियो फंगीसाइड का उपयोग कर लेते हैं तो ये शानदार वाले रिजल्ट लेट ब्लाइट के ऊपर आपको निकाल करके देगा, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दूसरी फंगस की कि ये दूसरे कौन से रोग पर अटैक करता है, तो दूसरा है किसान भाई हमारा डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू यदि आपकी फसल के ऊपर लगी हुई है, चाहे वो हमारी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, जिस फसल के ऊपर आपको डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिले उसी फसल पर आप मेलोडी ड्यू फंगीसाइड का उपयोग कर लीजिए, इसका स्प्रे आप कर दीजिए, 100% आपको बहुत ही बेहतरीन वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। यदि आप रोग लगने से पहले इसका स्प्रे कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो लगभग लगभग आप ऐसे मान लीजिए 90 से लेकर 95% तक आपकी फसलों को ये फंगस से बचा करके चलेगा, आपकी फसल पे किसी भी तरह की कोई फंगस फिर नहीं आ पाएगी। यदि क्यूरेटिव में रोग लगने के बाद आप इसका उपयोग करते हैं तो रोग लगने के बाद ये किसान भाइयों आपकी फसल को 75 से लेकर 85% तक बचा करके चल सकता है, यानी कि रोग लगने के बाद भी आप इसका उपयोग करेंगे तब भी आपकी फसल को बहुत ज्यादा महत्वता देता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और आपकी फसल के ऊपर से फंगस को पूर्णतः खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश ये कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 टेक्निकल दिए गए हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों ये कार्य कर लेता है। बात कर लेता हूं क्या इसके अंदर हम किसी अन्य फंगीसाइड को, किसी अन्य कीटनाशक को, या फिर अपने टोनिक को, या फिर जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, या फिर जो किसान भाइयों हमारे पीजा टोनिक होते हैं, इन्हें हम मिला सकते हैं इसके अंदर या फिर नहीं मिला सकते। तो देखिए इसके अंदर पहले से ही ये कॉन्टैक्ट वाला फंगीसाइड भी है और सिस्टमिक फंगीसाइड भी है, तो इसके अंदर आपको कोई भी फंगीसाइड मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कमाल के रिजल्ट इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, बात कर लेते हैं कीटनाशक की, तो इसके अंदर आप किसी भी कीटनाशक को मिला लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, अच्छी तरीके से एक कीटनाशक के साथ मिलकर के एक शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके देगा। बात करते हैं पीजिया टोनिक की, क्या हम इसके साथ पीजिया टोनिक मिला सकते हैं या फिर नहीं, तो बिल्कुल आप इसके साथ पीजिया टोनिक भी मिला पाएंगे, तब भी ये आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे रेट ये आपको निकाल करके दे सकता है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि आप इसके साथ कुछ भी मिला लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका पीजिया टोनिक हो, चाहे आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, मतलब आपका कोई ग्रोथ प्रमोटर हो, या फिर किसान भाइयों आपका कीटनाशक हो, सभी में इसके आपको अच्छे रेट देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि आखिरकार इसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए, तो इसकी जो डोज आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में आपको जो है जो हमारा ये मेलोडी फंगीसाइड है इसकी 2 ग्राम की मात्रा लेनी होगी, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 ग्राम की मात्रा मिलाइए और इसका स्प्रे कर दीजिए, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आपकी फसल के अंदर 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो आपको लगभग 300 ग्राम मेलोडी फंगीसाइड को लेना होगा और तब आप इसका स्प्रे करेंगे, बेहतर और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कौन कौन से रोगों पर ये काम कर लेता है, तो जैसे हमारा लेट ब्लाइट है, डाउनी मिल्ड्यू है, इन पर इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इन दोनों पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इसके अलावा अन्य रोगों पर भी इसके कंट्रोल है, लेकिन सबसे बेस्ट और बेहतर रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो लेट ब्लाइट पे और डाउनी मिल्ड्यू पर किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसे हम किस तरीके से इसका उपयोग कर पाएंगे और किस समय पर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका उपयोग किसान भाइयों जब आपकी जो फसल है लगभग 4 से लेकर 6 पत्ती के आसपास की हो जाती है, या फिर किसान भाइयों जो आपको लगता है कि हमारी फसल के ऊपर जो है हो सकता है लेट ब्लाइट का या डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होने वाला है, या आपको हल्के माड़े असर दिखाई देने शुरू होते हैं, तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए, और पहले स्प्रे में और दूसरे स्प्रे में लगभग 20 दिन का अंतर किसान भाइयों आपको रखना चाहिए। यदि आप 2 स्प्रे इसके अपनी फसल के ऊपर कर देते हैं तो आपकी फसल के ऊपर फंगस का अटैक आएगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रिवेंटिव में इसका उपयोग कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट ये निकाल करके दे सकता है। 2 से ज्यादा स्प्रे ना करें, 2 स्प्रे में कमाल कर देता है, बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जिस फसल के अंदर आपको लेट ब्लाइट का अटैक देखने को मिले या फिर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिले, उन सभी फसलों पर आप इसका स्प्रे करेंगे, शानदार और बेहतर वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। स्प्रे करने का बिल्कुल सही समय, अब इस समय पर जो हमारा मौसम है बिल्कुल ठंडा चल रहा है, इस समय आप किसी भी समय पर इसका उपयोग करेंगे, कोई भी नुकसान नहीं होगा। कोशिश करें कि हमारे पत्तों के ऊपर ओस ना हो, जब ओस खत्म हो जाती है उसके बाद स्प्रे करेंगे, शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यदि गर्मियों का मौसम है तो उस समय पर किसान भाइयों शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे के आसपास इसका स्प्रे करेंगे तो और भी शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके दे सकता है। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की कि आखिरकार इसकी कीमत कितनी आपको देखने को मिल रही है, तो इसका जो किसान भाइयों 100 ग्राम का पैक है,
ये आपको लगभग लगभग 300 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। कहीं पर 280 का भी मिल सकता है, कहीं पर 320 का भी मिल सकता है। तो रेट जो होंगे ये अमूमन लगभग मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ 300 रुपए के आसपास इसका जो 100 ग्राम का पैक है ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाई अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त कर सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।